नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटेल पर। कैसे हैं आप सब? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और हम उन गिफ्ट को सजा देते हैं, घर में यूज़ करते हैं, नहीं तो कभी कभी अनयूज्ड रहती हैं तो हम वापस किसी को गिफ्ट दे देते हैं। तो लेकिन अगर कोई भगवान की मूर्ति हमें गिफ्ट करे तो उसका क्या करना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हर धर्म में गिफ्ट देने का, तोहफे देने का बड़ा रिवाज है। धार्मिक चीज़ें भी गिफ्ट में दी जाती हैं, कुछ लोग तो भगवान की मूर्ति भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन क्या गिफ्ट में मिली मूर्ति लेना सही है, और क्या मूर्ति गिफ्ट में लेने या देने से कोई नुकसान है, या फिर ये एक शुभ वस्तु है तोहफा देने के लिए? आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, भगवान की मूर्ति अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित कीजिए कि वह व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का हो और वह भगवान का सम्मान करेगा, पूजा करेगा। मूर्ति को गिफ्ट के रूप में देने या लेने के से जुड़े विशेष धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नियम होते हैं। अगर कोई भगवान की मूर्ति गिफ्ट में देता है तो लेन देन में कई सारी मूर्तियां आपके पास इकट्ठा हो जाती हैं, और आप उन मूर्तियों का क्या करें? आप किसी को और को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यह भी जानेंगे। भगवान की मूर्ति अगर कोई गिफ्ट में देता है तो संत स्वामी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान की मूर्ति को गिफ्ट के रूप में ना तो देना चाहिए ना लेना चाहिए। सही तो यही है, गिफ्ट के रूप में मूर्ति देने का अर्थ है कि आप अपने शुभता किसी और को दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि आप भगवान को उन्हें दे रहे हैं ताकि वे पूजा पाठ कर सकें। अगर कोई मूर्ति गिफ्ट में लेता है तो वह अपने पूजा घर में उस मूर्ति को उचित स्थान दे पाए तो बहुत अच्छी बात। इसलिए अगर कोई भगवान की मूर्ति गिफ्ट में देता है तो आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आप उसका सम्मान कर पाएंगे, उनके दर्शन कर मूर्ति की पूजा पाठ कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर सकते तो मूर्ति को प्रणाम कर वापस कर देना चाहिए। कई मूर्तियां हो जाने पर आप उसे केवल एक शोपीस बनाते हैं, उस मूर्ति की उचित सेवा नहीं कर पाते क्योंकि आपके घर में पहले से ही आपकी आस्था के अनुसार मूर्तियां स्थापित होती हैं। इसीलिए उन मूर्ति को ग्रहण करने के बजाय उसे वापस करने में ही समझदारी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति या फोटो को गिफ्ट में लेना देना उचित नहीं माना जाता क्योंकि इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास नहीं होता। लेन देन में कई सारी मूर्तियां आपके पास इकट्ठा हो जाती हैं और उन मूर्तियों का आप ठीक ढंग से रख रखाव नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से आप देने में भी ध्यान रखिए, लेने में भी ध्यान रखिए। बस 100 बात की एक बात की है, सुनिश्चित कर लीजिए कि मूर्ति को देने वाला लेने वाला दोनों श्रद्धा रखते हों ईश्वर में। लोग शादी के कार्ड में हनुमान जी की, भगवान राम, सीता, शिव परिवार सबकी फ़ोटो लग करवा देते हैं, गणेश जी की फ़ोटो लगवा देते हैं। प्रयास करिए कि बहुत ज़्यादा फ़ोटो न लगवाएं क्योंकि कार्ड दिया जाता है, व्यक्ति देख कर कूड़े में फेंक देता है, कबाड़ में फेंक देता है। तो इस तरह करें कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ फोटो प्रिंट कराएं तो बेहतर है, या तो बहुत अच्छे अच्छे कैलेंडर लगाएं जो कि बनवाएं जो कि कैलेंडर को व्यक्ति टांग सके घर में। अगर कोई भगवान की मूर्ति गिफ्ट में देता है तो उसे आप प्रणाम कर ससम्मान वापस कर सकते हैं, और या तो लें तो यह सुनिश्चित करें कि आप मूर्ति का सम्मान कर पाएंगे। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। नमस्कार।